ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतुरागाय नमः। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र। आप सभी आत्म प्रभावी बंधुओं को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। संत कमल के पुष्प के समान लोक जीवन की वारिधि में रहता है, संवरण करता है, डुबकियां लगाता है किंतु डूबता नहीं। यही भारत भूमि के प्रखर तपस्वी, चिंतक, कठोर साधक, लेखक राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन का मंत्र घोष है। जैन दर्शन में शरद पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन को दिगंबर सरोवर के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य शिरोमणि ये ऐसे संत हैं जिनका जीवन एक संपूर्ण दर्शन है, जिनके आचरण में जीवों के लिए करुणा पलती है। आपकी मुद्रा भीड़ में अकेला होने का बोध कराती है। अकंप पद्मासन, शांत स्वरूप, अर्धमीलित नेत्र, दिगंबर वेश, आध्यात्मिक परितृप्ति युक्त जीवन और निःशब्द अनुशासन जन समूह के अंतर्मन को छुए बिना नहीं रह सकता। सभा मंडप में दुर्धर साधक की वाणी जब मुखरित होती है तब निः शांति व्याप्त हो जाती है। श्रोता मंत्रमुग्ध हो श्रवण करते हैं, दृश्य समवसरण सा उपस्थित हो जाता है, आध्यात्मिक गुण ग्रंथियां स्वतः खुलती चली जाती हैं, एक एक वाक्य में वैदुष्य झलकता है। आध्यात्मी आचार्य कुंदकुंद और दार्शनिक आचार्य समंत्रबद्ध का समन्वय प्रवचन में विद्यमान रहता है। आपके दर्शन से जीवन दर्शन को समझा जा सकता है। आचार्य महाराज तो ज्ञान वारिधि हैं और उनके विचारों को संकलित करना छोटी सी अंजलि में सागर को भरने का असंभव प्रयास करना है। आइए हम आपको आचार्य श्री जी के जीवन परिचय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराते हैं। आचार्य शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन का पूर्व नाम श्री विद्याधर जी जैन अष्टगे, इनके पिता का नाम श्री मल्लप्पा जी जैन अष्टगे एवं इनकी माता का नाम श्रीमती श्रीमंती जी जैन अष्टगे है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 अश्विन शुक्ल 15वां विषम संवत शरद पूर्णिमा सदलगा ग्राम चिक्कौड़ी जिला वेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इनकी लौकिक शिक्षा 9वीं तक हुई। इन्होंने 1966 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचार्य व्रत लिया था। इनकी मुनि दीक्षा 30 जून 1968 अषाढ़ शुक्ल पंचमी विषम संवत 2025 अजमेर राजस्थान में हुई। इनके दीक्षा गुरु मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज हैं। इन्होंने आचार्य पद 22 नवंबर 1972 बुधवार मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया विषम संवत 2029 नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान में ग्रहण किया था। इनकी मातृभाषा कन्नड़। दिगंबर जैन आगम के अनुसार मुनिचर्या का पूर्णता निर्वाह करते हुए परम तपस्वी विद्यासागर जी महामुनिराज न किसी वाहन का उपयोग करते हैं, न शरीर पर कुछ धारण करते हैं। पूर्णता दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं तथा पैदल ही विहार करते हैं। आपने सन 1971 से मीठा व नमक का त्याग कर दिया था, 1976 से रस और फल, 1983 से जीवन भर पूर्ण थूकना, 1985 से बिना चटाई रात्रि विश्राम, 1992 से हरी सब्जियां व दिन में सोने का भी त्याग कर रखा है। खटाई मिर्च मसालों का त्याग किए 26 वर्ष हो चुके हैं। भोजन में काजू, बादाम, पिस्ता, छुहारे, मेवा, मिठाई, खोआ, कुल्फी जैसे व्यंजनों का सेवन भी नहीं करते हैं। आहार में सिर्फ दाल रोटी, दलिया, चावल, जल, दूध, वो भी दिन में एक बार खड्गासन मुद्रा में अंजलि में ही लेते हैं। कठोर साधक विद्यासागर जी ने वाह आडंबरों रूढ़ियों का विरोध किया है। आपका कहना है कच लुंचन और वसन मुंचन से व्यक्ति संत नहीं बन सकता, संत बनने के लिए मन की विकृतियों का लुंचन मुंचन करना पड़ेगा। कन्नड़ भाषी होते हुए भी गहन चिंतक विद्यासागर जी ने प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगला और अंग्रेजी में लेखन किया है। आपके द्वारा रचित साहित्य में सर्वाधिक चर्चित मूक माटी महाकाव्य काव्य प्रतिभा की चरम प्रस्तुति है। यह रूपक कथा काव्य आध्यात्म दर्शन व युग चेतना का संगम है। संस्कृति, जन और भूमि की महत्ता को स्थापित करते हुए आचार्य श्री ने इस महाकाव्य के माध्यम से राष्ट्रीय असीमता को पुनर्जीवित किया है।
आपके चेतन कृतित्व में 120 मुनिराज, 172 आरिकाएं, 20 एलक, 14 छुल्लक, 3 छुल्लिकाएं और 1000 से अधिक ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी बहनें साधनारत हैं। आपकी संस्कृत रचनाओं में शारदा स्तुति, श्रमण शतकम, निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिचय जय शतकम, सुनीति शतकम, चेतन चंद्रोदय, धीवरोदय, चंपू काव्य हैं। आपके हिंदी महाकाव्य में मूकमाटी महाकाव्य, नर्मदा का नर्म कंकर, डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता, चेतना के गहराव में एवं अनेक हाइकू कविताएं हैं। और आपके स्तुति सरोज में आचार्य शांति सागर स्तुति, आचार्य वीर सागर स्तुति, आचार्य शिव सागर स्तुति, आचार्य ज्ञान सागर स्तुति एवं आध्यात्म भक्ति गीत हैं। हिंदी शतक में निज अनुभव, मुक्तक, श्रवण, निरंजन, भावना, परिचय जय, सुनीति, दोहा दोहन, सूर्योदय, पूर्णादय, सर्वोदय जिन स्तुति शतक हैं। आपके द्वारा अनुवादित ग्रंथों में कुंद कुंद का कुंदन, निजामृत पान, अष्टपाहुड, नियमसार, बारस अणुवेखा, पंचास्तिकाए, इष्टोपदेश, प्रवचनसार, समाधि शतक, नव भक्तियां, समंत्र बद्ध की भद्रता, रैण मंजूसा, आप्तमीमांसा, द्रव्य संग्रह, गोमटेश अष्टक, योगसार, आप्त परीक्षा, जैन गीता, कल्याण मंदिर स्त्रोत, जिन स्तुति, गुणोदय, स्वरूप संबोधन, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह आदि हैं। आपके प्रवचन साहित्य में प्रवचन पर्व, प्रवचन पीयूष, प्रवचानमृत, प्रवचन पारिजात, प्रवचन पंचामृत, प्रवचन प्रदीप, प्रवचन प्रमेय, प्रवचनिका, प्रवचन सुरभि, 1301, धीवर की धी, सर्वोदय सार, सीप के मोती, विद्यावाणी, अंकी चितकर, चरण आचरण की ओर, कर विवेक से काम, धर्म देशना, कुंडलपुर देशना, तपोवन देशना, आदर्शों के आदर्श, सिद्धोदय सार, कौन कहां तक साथ देगा, समागम, गुरुवाणी, व्यामोह की पराकाष्ठा, भक्त का उत्सर्ग, आत्मानुभूति ही समय सार, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्वराज्य और भारत, अहिंसा सूत्र, मेरे सपनों का भारत, भारत की भाषा राष्ट्रभाषा हो, जैन दर्शन का हृदय, जयंती से परे, सत्य की शाओं में, ब्रह्मचर्य चेतन का भोग, भोग से योग की ओर, आदर्श कौन, मरहम मरहम बने, मानसिक सफलता, डबडबाती आंखें, इस प्रकार 50 से भी अधिक कृतियां हैं। आपके ग्रंथ प्रवचन में समयोपदेश भाग 1 और 2, गुरुवर्णम, दिव्योपदेश, इष्टोपदेश, पंचास्तिकायोपदेश, शुद्ध आराधना भाग 1, 2, 3 और बहुत सी कृतियां हैं जिनके नाम ज्ञात नहीं हो सके हैं। समर संस्कृति के उन्नायक संत, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणभूत, लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर आपने लोकोपकारी कार्यों हेतु अपनी प्रेरणा व आशीर्वाद प्रदान किया। जैसे जीव दया के क्षेत्र में संपूर्ण भारतवर्ष में संचालित गौशालाएं, चिकित्सा क्षेत्र में भाग्योदय चिकित्सा सागर, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर, डोंगरगढ़ एवं रामटेक, शांति धारा दुग्ध योजना बीनावारा, पूरी मैत्री, हथकरघा आदि लोक कल्याणकारी संस्थाएं आपके आशीर्वाद का ही सुफल हैं। आप वीरतराग परमात्मा पद के पथ की ओर सतत अग्रसर रहें, ऐसी पावन कामना के साथ दिगंबर सरोवर के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरण कमल में मेरा मन वचन काय से कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। भगवान महावीर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ टीम स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय जिनेंद्र।